शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 500 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कटकर जी नहीं सकता। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने मैं देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था पूजा व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। अब कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी व बंजर जमीन पर पैर लगा रहा है। प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात तमाम बच्चों और तमाम असातिज़ा के साथ यहाँ पे सुनी। आपने आज देखा होगा किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी लोगों से मुखातिब होते हैं और वो मन की बात जिसको हम कहते हैं वो अपनी बात कहते हैं ना, वो दिल की बात हमारी होती है, लेकिन एक बड़े स्टेज से, एक बड़ी जुबान से, एक बड़े दिल से, एक बड़े मन से वो हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। जो हम लिखते हैं, आप में से लोग लिखते हैं, आज आपने देखा है कि 100वें एपिसोड में भी कश्मीर का जिक्र रहा। हमारे मंजूर साहब जो पुलवामा में रहते हैं, एक छोटा सा कारोबार करते थे और उनको किस तरह से उस कारोबार में आज बढ़ावा मिला, वो हमारे प्रधानमंत्री जी की वसादत से मिला। क्योंकि हम में से हर एक, आप हमारे इमाम खतीब प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, चौकत साहब भी बैठे हैं, नईमी साहब भी बैठे हैं, ये भी कल लिख सकते हैं। आप में से हमारे टीचर इतने काबिल, हमारे स्कूलों के बच्चे इतने काबिल, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे मन की बात की आकाशी की अपने सिकिंग्स में, अपनी बातों से कितना हमारे पास टैलेंट है, हमारे स्कूलों में कितना टैलेंट है, ये निखरने से ही जब हम इसको स्टेज पे लाएंगे, जब हम इसको कलमबंद करेंगे, हम लिखेंगे अपनी बात, हम अपने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा सकते हैं। और जो ही हमने अपने प्राइम मिनिस्टर तक बात पहुंचाई, वो दुनिया में आएगी। आपकी ही बात प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जुबान से दुनिया तक पहुंचाएगा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की खसूसियत है। और आज दुनिया में पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब है जिन्होंने 100 एपिसोड पूरे किए। आज तक दुनिया में अगर कहीं पे भी ऐसा प्रोग्राम शुरू हुआ था, 10, 12, 20 एपिसोड से ज्यादा कभी कहीं पे दुनिया में नहीं हुआ है।
इसके लिए हम एरिक क्लैप्स प्रधानमंत्री जी के लिए जरूर करेंगे यहां। यह हमारे लिए भाई से फख्र है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां के प्रधानमंत्री, जहां के प्राइम मिनिस्टर आम लोगों के लिए सोचते हैं, और इसकी खुसूसियत ये रही कि एक बार भी मन की बात में पॉलिटिक्स का जिक्र नहीं आया, बल्कि आवाम की बात हुई। यहाँ कश्मीर की बात 99 से 100 एपिसोड में बराबर रही, नदरू की बात रही, केसर की बात रही, हमारे आर्टिजनों की बात रही, हमारी छोटी सी छोटी बात जो कश्मीर ट्यूलिप गार्डन की बात रही, हमारे टूरिज्म की बात रही। अगर आज आप टूरिस्ट देखते हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर की देन है कि उन्होंने हर एक अपने ट्वीट में टूरिज्म के लिए लोगों को कहा कि आप कश्मीर जाइए। आज भी आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि अपने देश के ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस पे जाइए जहां पे आपको लगे, ये नहीं कि मैं कहूंगी कि मैं कश्मीर से हूं और मैंने पहलगाम जाना है, नहीं, मैं कहूं कि मैंने दार्जिलिंग जाना है, मैंने ऊटी जाना है, मैंने चेन्नई जाना है। इसीलिए हमें अपने देश में ऐसी जगहें हैं जो शायद स्विट्जरलैंड से भी बढ़कर है, जो शायद यूरोप के देशों से भी खूबसूरत है। हमें अपने देश को एक्सप्लोर करना है, हमें अपने देश को देखना है, अपने देश की संस्कृति को देखना है, और अपने कश्मीर को भी इस कदर खूबसूरत बनाना है अपने तरीके से, अपने इखलाक से। जो अब माहौल हमें मिल रहा है आज के भारत में, आज के जम्मू कश्मीर में, अमन, तरक्की और खुशहाली, वक्त उसी तरक्की के लिए अब गामजन है। वक्त जम्मू कश्मीर वक्त बोर्ड अब नई तरक्की की मंजिल पे चलने लगा है, और मुझे उम्मीद है जितनी भी यहाँ पे हमारे असातिज़ा, हमारे बच्चे, हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आज अगर हमने प्रधानमंत्री जी के मन की बात के गोल्डन जुबली यहाँ पे मनाई, हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का वक्फ डे जिस दिन मनाए, उस दिन हम वक्फ बोर्ड में क्या ऐसा करें जो सुनहरे अल्फाजों में कल की हिस्ट्री में लिखा जाएगा, वैसा काम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड को भी करना है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड सिर्फ डॉक्टर दर्शान राबी नहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं, तारिक साहब नहीं, बल्कि आप बच्चे हैं, आप टीचर्स हैं, हर एक वो मुलाजिम, हर एक इमाम व खतीब हमारा वो तारीखी काम करे जो आने वाला वक्त याद करे कि वक्त ने वक्त के हाथों ऐसी तारीख, ऐसी हिस्ट्री लिख दी जो जन्मों सदियों तक ताबींदा रहे। हम ऐसी कामना करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे कारनामे करें, हमारे स्कूल ऐसा नाम करे, हमारे वक्त डिपार्टमेंट में श्राइन्स है, दरगाहें हैं, एसेट्स हैं, वो हमें बरोए कार लाने हैं और हमें आगे बढ़ना है। ये आज की मन की बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की थी, उससे हमें यही सीख मिलता है कि हम जब काम करेंगे हमारा नाम होगा, तभी तो सबका साथ और सबका विश्वास रहेगा, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अभी मेरा कोई यहाँ पे शायद हमारे वक्त का मुलाजिम है, उजरतों की बात करता है, जबकि आज मन की बात थी, आप खुदा के करम से उजरत अच्छी लेते हैं, उसका आप काम करना सीख लीजिए, उसके बाद वक्त के साथ साथ जब बदल जाएगा आपकी उजरतों के बारे में भी सोचा जाएगा। मुझे ये कहना नहीं था आज हमारा, और एक बात आपने कही तो मेरे जहन में तो ये बात रहती ही रहती है, एज अ चर्च पर्सन मैं ये कहूंगी, उजरते तब बढ़ी जाती है जब इंसान उसी तरीके से काम करता है। इस वक्त को मौका नहीं है,
और ऐसे मौकों पे जो बच्चों ने सिक्स किए, जो बच्चों ने कहा वही होता है। अपनी बात 50 साल में 30 साल में आप कहते रहे, अब वक्त आया है कि हम वक्त को बदले और वक्त के साथ चलाए, ताकि हमारा नाम भी आने वाले जमाने में कहा जाए कि ऑनेस्ट डेडिकेटेड वर्कर्स, ऑनेस्ट डेडिकेटेड रिलीजियस प्रीचर्स एंड टीचर्स, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड स्कूल टीचर्स प्रिंसिपल्स और हमारे होनहार बच्चे, ये हिस्ट्री बने हमारे वक्त की। मैं यही उम्मीद करूंगी कि हमारा जो वक्त है वो वक्त के साथ तरक्की करे। मैं तमाम बच्चों का, तमाम मीडिया का जो यहाँ पे आए हुए, सारे मीडिया जो बाहर हमारे मीडिया के ब्यूरो चीफ आए हुए थे, News 18, टाइम्स नाउ, जीनत साहिबा बैठी हुई है, अर्शद साहब बैठे हैं घड़ियाल के, और बाकी गुलिस्तान न्यूज जो हमेशा साथ साथ रहते हैं हमारे हर दौर में, मीडिया वक्त को वक्त के साथ और हिस्ट्री बनाने में मेरे मीडिया ने जो रोल किया, मैं आज इस मंच से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, तमाम भाइयों का जिन्होंने साथ दिया और लोगों तक वक्त को पहुंचाया। सही रोल हम जो नहीं कर पाते वो मीडिया ने करके दिखाया और घर घर की आवाज वक्त को बनाया। मैं सब भाइयों का, सब बहनों का शुक्रिया करती हूँ, और खासकर जो अर्शद भाई आजकल वॉलंटियरली काम कर रहे हैं समाज के लिए, इन्होंने भी आज मन की बात पुलवामा में की, वहां पर इनके 500-600 डेडिकेटेड वॉलंटियर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मन की बात का वहां पे इनकार किया था, उनको भी शुक्रिया अदा करती हूँ, और तमाम अपने स्कूल के बच्चों का, और हमारे खास मेहमान जो अभी आए हैं, इनका अपना वहां पे प्रोग्राम चल रहा था, डॉक्टर सतीश विमल, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। और इसी के साथ हम जो हमारे स्टाफ ने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने और जो हमारे जजेस बैठे हैं, उन्होंने कुछ ट्रॉफियां वगैरह रखी हैं बच्चों के लिए, तो मैं कहूंगी कि वो अपना प्रोग्राम आगे करें, और चंद मिनट इमाम खतीब साहब, इनको घड़ियों की तरफ ही हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब सईद साहब बैठे हुए हैं, घड़ी देख रहे हैं क्योंकि नमाज के बड़े पाबंद है, और इनसे नमाज छूटे तो हम तो फिर उसका अजाला नहीं कर पाएंगे। हमारे कमालुद्दीन फारूकी प्रोफेसर साहब बैठे हैं, शौकत साहब बैठे हैं, नईमी साहब बैठे हैं, इनको नमाज पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है, लेकिन आज हमें लगता है ये इमामत यही करे, हम नमाज पढ़े। शुक्रिया।